देसी फूड LPP 105 सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों के लिए फ्राई एग लेके आए जो कि बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं, बिल्कुल रोटी की तरह ये एग तैयार होंगे। देखिए बिल्कुल रोटी जैसे होती है ऐसे एग है, ऐसे अपने फ्राई एग किसी ने भी नहीं बनाया होगा जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ एक भी स्टेप मिस नहीं करूँगी, आप भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, पूरी पूरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए हम फ्राई एग है जो बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके घरों में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आज हम लोग नाश्ते में एग बनाने जा रहे हैं, फ्राई एग बनाएंगे और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और जो एग है बहुत टेस्टी और मज़े का बनना है। ये हमने इतना सा नमक लिया एक चुटकी, वो इसमें शामिल कर दिया और सब्ज़ मिर्च लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इतनी सब्ज़ मिर्च लेनी है, इसको हमने पीस के रख लिया है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप अंडों को फेंटते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा लिया हमने फेंट, अब हम फ्राई पैन लेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ऑयल शामिल कर दिया, अब हम आग जलाएंगे, इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और अच्छे से गर्म करेंगे। हमने फ्राई पैन लिया, आग ली हमने जला, इसको रखते हैं ऊपर, ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए। इसका हम मज़ीद थोड़ा सा और फेंट लेंगे, ये थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे, तकरीबन एक चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने दूध को शामिल किया और इसको मज़ीद हम फेंटेंगे। और देखिएगा ये बनेगा कितना अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है ये हमने शामिल कर दिया, अब हम दूसरा एग लेंगे उतनी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह हम एग को जो है बनाते जाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, ये हमने नमक को शामिल किया। अभी हम इधर से ये भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा कुक हो रहा है, इसका हम सही थोड़ा सा फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम इसको फेंटते जा रहे हैं। अब हम जो एग हमने फ्राई पैन में शामिल किया था उसको चेक करते हैं। ये देखिए अभी हमने इसकी साइड जो है वो चेंज नहीं किया, देखिए बिल्कुल रोटी नुमा तैयार हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से उठाएंगे, उठाने के बाद ये लीजिए आप हम इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, घुमाने के बाद प्लेट में सर्व करेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप पांच अंडे तैयार करेंगे। एग जो है हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए
इस तरह से जो हमने इसका ऑयल है वो सेपरेट कर लेना है। ये हमने प्लेट में डाल लिया है कि सर्विंग कर ली है। अब हम दूसरी दफ़ा फ्राई पैन ऊपर रखेंगे और जो अपना दूसरा एग है वो हम तैयार करेंगे। इसको हम अच्छे से फेंटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम दोबारा से इस तरह से ऊपर फैला देंगे। इसी तरह से हम तीसरा एग और चौथा एग और पांचवा एग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अभी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। ये हमारा तीसरा एग जो है वो तैयार हो रहा है। एक साइड हम इसकी चेंज कर ली है। देखिए हमने दूध भी शामिल किया और फिर भी कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल रोटी की तरह बन रहे हैं। इस तरह का एग आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा तीसरा जो एग है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे। उठाने के बाद बहुत आराम से हम इसको उठाएंगे। अगर टूटता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने, ये देखिए कि आपने इसको उठा के प्लेट में फेंक देना है। ये हमारे तीन एग तैयार हो चुके हैं। ये हम चौथा फ्राई पैन ऊपर रखेंगे। और फिर मज़ीद अंडे को दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसको दोबारा फ्राई पैन में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चौथा एग जो है वो रेडी है। ये हमारा पांचवा एग जो है वो तैयार हो चुका है। सुभान अल्लाह, देखिए कैसे बने हैं हमारी रोटियों की तरह एग तैयार हुए हैं। फ्राई एग ये देखिए बिल्कुल रोटी की रोटी बनी है। आप देखिए, ये हमने चार एग तैयार कर लिए हैं। ये हमारा जो पांचवा एग है वो रेडी हो रहा है। हमारा पांचवा एग तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सर्फिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैं आपको सर्फिंग करके दिखा दूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़े के हमारी फ्राई एग तैयार हो चुके हैं। किस तरह से मैंने तैयार किए हैं पूरे के पूरे, सबके साथ पूरी की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। आप लोग भी बनाइएगा, बना के खाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरे रोटी नुमा जो एग हैं फ्राई हैं वो कैसे लगे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।